देश के अंदर ये चिंगारी बन के बढ़ेगा और देश हमारा, आज हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे साथी स्व यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा चैलेंज है ये जो जात पात का मामला है ना कहीं एजुकेशन भी इसके अंदर आती है। नेता लोग जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं वो समझदार हो जाएगा तो वो कभी नहीं लड़ेगा। कि अगर दिल्ली में अच्छी शिक्षा है, अगर वो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे, उनके विधायकों के बच्चे क्यों नहीं उसमें पढ़ रहे, उनके मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे। कोई भी कंट्री तभी तरक्की कर सकती है जब उसका एजुकेशन का सेक्टर अच्छा हो सकता है। कब तक हम अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम पे चलते रहेंगे? हमें जनता का सिस्टम चाहिए। जो वोट देता है उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? उसका सरकार में पड़ेगा। और जो वोट ले रहा है, जो नौकर है, उसका बच्चा विदेश में पड़ेगा। तो हम दोहरा शिक्षा नीति को हम लोग मारना चाहते, खत्म करना चाहते। जब तक हमारे देश की हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन नहीं सही होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका सिस्टम बदल सकता है, आपको तरक्की हो सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। इस देश के संसद में बैठे मेहमानों से सवाल है आपसे, कोई आप लाठी भी मारोगे ना तब भागेंगे नहीं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। यहाँ पर जो है कुछ लोग नई शिक्षा नीति को लेकर जो है अर्थी निकाल रहे हैं और तमाम जो है सबके लिए एक समान की मांग कर रहे हैं, और मांग करते हुए ये अर्थी निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका, किसके क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए, यही मांग है हम लोग। दिल्ली की सरकारी स्कूल कितनी अच्छी, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल देखी आपने कितनी अच्छी है? जी बिल्कुल देखी है, आपने देखी है? आपने भी हमने देखी है। सवाल पूछा आपने दिल्ली की व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था की बात करिए। आप ये मैडम बता दीजिए कि दिल्ली का एक भी विधायक का बच्चा उसमें पढ़ता है? अगर वो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे, उनके विधायकों के बच्चे क्यों नहीं उसमें पढ़ रहे, उनके मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, उनके सांसदों के बच्चे? शाबाशी हो रही है कि दिल्ली का सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज्यादा अच्छा है। सभी कर रहे हैं मैडम शाबाशी, तो एक गाँव का जो प्रधान होता है वो भी शाबाशी करता है कि हमारे गाँव की अच्छी शिक्षा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर दिल्ली में अच्छी शिक्षा है तो उनके विधायकों के बच्चे क्यों उसमें नहीं पढ़ रहे? दिल्ली सरकार के विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ क्यों पढ़ते? तो इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पैसा है वो विदेश में पढ़ा रहे हैं। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? कब तक हम अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम पे चलते रहेंगे? किसके सिस्टम पे चलना है? हमें जनता का सिस्टम चाहिए। जो वोट देता है उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? उसका सरकारी में पढ़ेगा। और जो वोट ले रहा है, जो नौकर है, उसका बच्चा विदेश में पढ़ेगा। ये चाहते हैं आप, किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं? हम चाहते हैं जिस तरीके से सांसद के बच्चे को, विधायक के बच्चे को, मंत्री के बच्चे, आईएएस आईपीएस के बच्चों को शिक्षा मिलती है, उसी तरीके से गरीब मजदूर किसान ठेले वाले का रिक्शे वाले निकाली थी अर्थी आप कंधे पर लेके चल रहे थे, उसका क्या मतलब है? दोहरा शिक्षा नीति का दोहरा शिक्षा नीति की के खिलाफ हम लोग की ये अर्थी थी कि एक शव यात्रा निकाली है कि जिस तरीके से एक कोई मर जाता है तो उसकी हम लोग अर्थी निकालते हैं। तो हम दोहरा शिक्षा नीति को हम लोग मारना चाहते, खत्म करना चाहते, इसलिए हम लोगों ने अर्थी निकाली शव यात्रा। एजुकेशन लेगा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी तो ऑटोमेटिक देश की गरीबी दूर हो सकती है। कोई भी कंट्री तभी तरक्की कर सकती है जब उसका एजुकेशन का सेक्टर अच्छा हो सकता है। इनकी पूरी टीम, शिक्षा एक समान की पूरी टीम का हम पूरा समर्थन करते हैं और हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इन लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में आंदोलन किया है। मैं आपकी मीडिया के तहत पूरे हिंदुस्तान के उन गरीब तबके के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो इनकी मांग है एजुकेशन एक समाज, आज देखिए कुछ नेता बात करते कर रहे हैं, और मैं इसलिए कहता हूँ कुछ लोग बात कर रहे हैं, और आज का जवान पिक्चर भी देखे होगा उसके अंदर शाहरुख खान ने भी यही बात किया था, एजुकेशन की बात किया है। जब तक हमारे देश की हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन नहीं सही होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। इसलिए ठीक है राधे श्याम साहब ने एक बुनियाद रखी उसकी 7 सालों से, लेकिन ये देखना देश के अंदर ये चिंगारी बन के बढ़ेगा और देश हमारा। आज हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे साथी स्व यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा चैलेंज है इंशाल्लाह
हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका सिस्टम बदल सकता है, आपको तरक्की हो सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर सर अगर बदला जाएगा एजुकेशन सब कुछ, राम मंदिर क्या होगा? देखिए, मंदिर मस्जिद मजहब अपनी जगह पे अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस गुलशन के फूल, यहाँ किसी को सूल समझना होगी भारी भूल, इन्हीं सबों से मिलके बना है अपना हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, सबका प्यारा हिंदुस्तान। मजहब, ये जो जात पात का मामला है ना कहीं एजुकेशन भी इसके अंदर आती है। जब देश सक्षम हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, हर गरीब अमीर आदमी का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तो ऑटोमेटिक उसके सामने ये जो नेता लोग जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं वो समझदार हो जाएगा, तो वो कभी नहीं लड़ेगा। राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी की सरकार? दिल्ली की सरकार, सबकी शिक्षा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान। देश के रक्षक है, आपसे कोई सवाल नहीं है, इस देश के संसद में बैठे मेहमानों से सवाल है आपसे, कोई आप लाठी भी मारोगे ना तब भगने भगेंगे नहीं, आप मेरे देश के रक्षक हो, लाठी मारिए, जेल भेजिए, फांसी बचाइए, आपसे कोई सवाल नहीं, आप मेरे देश के भाई हो, आपको सलाम। शिक्षा एक समान। तो आपने सुना किस तरीके से है, जो है दोहरे शिक्षा नीति को लेकर ये लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी का गुस्सा जाहिर करने के लिए इन लोगों ने एक शव यात्रा की है। शव में दोहरा शिक्षा नीति को लेकर लाश जो है, मतलब अंतिम संस्कार के टाइम जो शव निकाले जाते हैं वो किया है, और अपना विरोध जो है दिखाया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।